Hello everyone, welcome to your another class of fashion designing. पिछले क्लास में हमने प्लेन वीव को कैसे करते हैं ये देखा था. इस क्लास में हम देखते हैं रिब बास्केट वीव को कैसे करते हैं. हर वीव को करने का एक अलग तरीका होता है. ये देखिए बास्केट वीव जब बनता है तो इस तरह से लगता है. इसका जो लुक है वो कुछ ऐसा आता है. तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि अधिकतर इसके जो है सब zigzag में बन रहे हैं. तो हम जब बनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि बास्केट वीव को बनाने के लिए zigzag का इसका एक अपना पैटर्न है, इसी तरह से बनाया जाता है. तो यहाँ इस तरह से जैसे मैंने प्लेन वीव में बताया था, दो कलर्स के हमने सैटिन रिबन्स को इस तरह देखिए यहाँ पे यहाँ लाइन से लगा लिए है. दिस इज हमारा वेबसाइट हो जाएगा एंड ये हमारा वार्प साइज हो जाएगा. इस तरह से वार्प साइज में हमने लगा लिया है. लगाने के बाद में यहाँ क्या है कि ये इसके जो तीन लाइन होते हैं, फर्स्ट तीन लाइन तीन तरह से बनाए जाते हैं. इसके बाद वही तीन लाइन रिपीट होते रहते हैं. जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट तीन लाइन, फर्स्ट लाइन जो है हमने एक तरह से बनाया है. फर्स्ट लाइन में यहाँ हमने दो ये लेंथ में हमने रखे हुए हैं, इसके दोनों को नीचे रखा है एंड दो के ऊपर से हमने एक ये विड्थ वाले लाइन लिया है, विड्थ वाले डोरी को लिया हुआ है. उसके बाद में एक ऊपर में रखा है, फिर दो के नीचे ऊपर से आ गए, एक के नीचे से गए हैं. फर्स्ट लाइन है ये हमारा, एक के नीचे से गए हैं, दो के ऊपर से गए हैं, फिर एक के नीचे से, फिर दो के ऊपर से. इस तरह से हमने पहला लाइन कंप्लीट किया. जब दूसरे लाइन का टर्न आया है तो हम एक शुरुआत में जो फर्स्ट वाला था उसी के नीचे से गए हैं एंड फिर दो, फिर एक, फिर दो, फिर एक. इस तरह से हमने इसको सेकेंड लाइन को कम्प्लीट किया है. इसके बाद जब थर्ड लाइन आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहला एक नीचे से, फिर एक के ऊपर से, फिर एक नीचे से. इस तरह से हमने थर्ड लाइन को कंप्लीट किया एंड इसी तरह से फिर जब फोर्थ लाइन आ रहा है तो हम फर्स्ट लाइन में जिस तरह से करते हैं फोर्थ लाइन में भी वैसे ही कर रहे हैं. इसके बाद में सेकेंड लाइन में जो था वो हमारा फिफ्थ लाइन में होगा एंड थर्ड लाइन में जो था वो हमारा सिक्स्थ लाइन में होगा. इसके बाद सेवेंथ लाइन फिर फर्स्ट लाइन जैसी होगी. इस तरह से ये रिपीट होता हुआ आएगा. यहाँ मैं आपको अभी कुछ इसके आगे के जो है मैं करके दिखा रही हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सको. ये देखिए यहाँ हम लोग तीन तीन लाइन कंप्लीट कर चुके हैं तो अब हमें फर्स्ट लाइन का जो है उसका रिपीटेशन करना है. तो फर्स्ट लाइन में ये देखिए ये मेरा साइड वाला है एंड ये मेरे लेंथ वाले बार, ये वेफ्ट यार्न्स है एंड ये मेरे वार्प यार्न्स है. वार्प यार्न्स इसीलिए कि उसको एक के ऊपर से हम वेफ्ट के ऊपर से वार्प करते हुए ये ताने वाले लाइन से और ये बाने वाले, बाना इसीलिए कि हम इसको बुन रहे हैं. बाने वाले लाइन से हम कपड़े की बुनाई करते हैं इसीलिए इसे बाना वाला लाइन्स कहते हैं. तो ये देखिए यहाँ ये दो है, इन दोनों के ऊपर से मैंने थ्रेड को लिया, ये मेरा थर्ड वाला है तो इसके मैं नीचे से इस तरह से लेके आ रही हूँ. इस तरह से नीचे से लेके आई, फिर ये दो जो है अब हम फिर से दो निकालेंगे, दो के ऊपर से नीचे से करते हुए फिर तीसरे वाले में हम फिर उसके नीचे से इस तरह से लेके आ रहे हैं. इसके बाद में फिर से हम दो को छोड़ देंगे एंड एक को हम इसके नीचे से इस तरह से करेंगे. फिर से हमने दो रख छोड़ दिया है, उसके बाद में इसके इस तरह नीचे से हम लेके आ रहे हैं एक को ऊपर करते हुए, फिर हम दो छोड़ेंगे इस तरह, हर दो थ्रेड्स को नीचे रखेंगे एंड तीसरे वाले थ्रेड को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से. फिर से हमने दो थ्रेड को छोड़ दिया, तीसरे वाले थ्रेड को ऊपर कर रहे हैं, फिर मैं दो थ्रेड छोड़ रही हूँ, फिर थर्ड वाले थ्रेड को ऊपर कर रही हूँ. इस तरह से हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे. ये हमारा फर्स्ट रो था, जो हमने सबसे फर्स्ट रो में करना है वो इस तरह से करना है. इसके बाद में सेकेंड रो जब करना होगा तो ये देखिए यहाँ पे हम सेकेंड रो शुरू कर रहे हैं. सेकेंड रो जब शुरू करते हैं तो पहले वाले को हम ऊपर रख के उसके नीचे से इसको लेके आ रहे हैं. इसके बाद में दो हम छोड़ देते हैं, दो को नीचे रखे हैं एंड तीसरे वाले के ऊपर से हम इसको लेके आएंगे इस तरह से. फिर दो को हम रखेंगे, फिर तीसरे वाले के ऊपर से लाएंगे. इसके बाद में फिर से हम दो को नीचे छोड़ देंगे एंड तीसरे वाले को इसके ऊपर से करेंगे. फिर से हम दो छोड़ देंगे, फिर इस तरह से देखिए ये तीसरे वाले को हम इसके ऊपर से आ रहे हैं. यहाँ कलर्स को ध्यान मत दीजिएगा, हर बार आपका कलर बदलता जाएगा. ये देखिए इस बार हमारा ये कलर बदल गया है.
इस तरह से। इसके बाद में फिर से सेम उसी तरह से हम दो को नीचे रखेंगे, एक को उसके ऊपर से लेके आएंगे। बास्केट वीव में खासियत होती है कि इसकी अपनी एक पैटर्न बनती है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। बुनाई में ही इसकी अपनी एक पैटर्न बनती है। अब हम थर्ड लाइन पे आ रहे हैं। जब हम थर्ड लाइन करेंगे, एक नीचे एक को ऊपर से लाएंगे, इसके बाद में हम दो छोड़ देंगे एंड तीसरे को ऊपर से लाएंगे, फिर दो छोड़ेंगे, फिर तीसरे को ऊपर से लाएंगे, फिर दो छोड़ेंगे, फिर तीसरे को ऊपर से लाएंगे। इसके बाद में फिर दो छोड़ दिया हमने, इसके बाद फिर तीसरे के ऊपर से आएंगे, तीसरे को ऊपर से लेके आ रहे हैं। यहाँ क्या है कि जब तीन रोज बन जाती है तब वो एक सेट बनता है एंड उसके बाद में फिर वो तीन रोज को रिपीट किया जाता है। जो पहले के हमारे तीन रोज थे उन तीनों रोज को फिर से रिपीट करते हैं। इस तरह से देखिए हमारे यहाँ पे ये तीन रोज बन चुके हैं। तीन रो बनने के बाद अब हम फिर से रिपीट करेंगे। जो हम अब चौथा रो जब हमारा आएगा तो ये देखिए चौथा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अभी जो फर्स्ट रो में जिस तरह से पहले हमने दो को नीचे रख के तीसरे को ऊपर किया था उसी तरह से हम करेंगे। अभी ये देखिए दो को हमने नीचे रखा है एंड तीसरे को ऊपर डाला, फिर हम दो को छोड़ेंगे एंड तीसरे को ऊपर लाएंगे। एंड यहाँ पे स्क्वायर हमने कितने सेवन बाय सेवन इंचेस का स्क्वायर लिया हुआ है पेपर पे एंड 18 सेंटीमीटर्स का 18 एंड हाफ या 19 सेंटीमीटर्स का हमने ये सैटिन रिबन्स पहले काट लिए हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ प्लेन वीव बनाते वक्त। प्लेन वीव में क्या है कि हम हर अल्टरनेट पे ऊपर नीचे करते रहते हैं, बाने के धागों को अल्टरनेट पे एक बार ऊपर एक बार नीचे करते हैं। लेकिन जब बास्केट वीव बनाना होता है तो तीन लाइन तीन अलग तरह से बनते हैं एंड फिर उसके बाद में वो तीनों रिपीट होते रहते हैं। इस तरह से देखिए हमारा ये चौथा लाइन बना है। अब जब पांचवा लाइन आएगा तो हमने जैसे दूसरे लाइन पे किया था, दूसरे लाइन पे जैसे फर्स्ट वाले को हमने ऊपर रखा, उसके बाद में दो नीचे, फिर तीसरा वाला ऊपर, फिर दो नीचे, फिर तीसरा वाला ऊपर, इसी तरह से हम पूरे सेकेंड रो को हमने जिस तरह से बनाया था इसको भी हम उसी तरह से बनाएंगे। जैसे सेकेंड रो बना था वैसे हमारा फिफ्थ रो बनेगा, जैसे फर्स्ट रो बना था वैसे फोर्थ रो बनेगा। ये देखिए इसके बाद में फिर हम दो नीचे करके एक ऊपर कर रहे हैं, फिर हम दो नीचे करेंगे और एक ऊपर करेंगे, फिर हम दो नीचे करके एक को ऊपर करेंगे। इस तरह से हमारा ये फिफ्थ राउंड भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अब जब सिक्स राउंड की बारी आती है तो जो हमने थर्ड राउंड पे जिस तरह से किया था, सिक्स राउंड जो है वो उस तरह से बनता है। थर्ड राउंड में हमने क्या किया था, एक को नीचे रखा, एक को ऊपर किया, इसके बाद में हम दो को नीचे रख रहे हैं और एक को ऊपर कर रहे हैं। सिक्स राउंड में या थर्ड राउंड में हम क्या करते हैं, पहले एक नीचे रखते हैं फिर एक ऊपर करते हैं, फिर उसके बाद से दो नीचे एक ऊपर, फिर दो नीचे, फिर एक ऊपर, फिर से दो नीचे और एक ऊपर किया है, इसके बाद फिर से हम दो नीचे कर रहे हैं और एक ऊपर कर रहे हैं। इसके बाद फिर वही होगा जैसे हमने पहले किया था, दो नीचे एक ऊपर करके, उसी तरह से ये हमारा रिपीट होता जाएगा। इस वक्त ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो है वो रो सही तरह से बन रहा है या नहीं, अदरवाइज एक बार अगर रो कहीं गड़बड़ हो गई है तो आपकी सारी की सारी जो है वो रो ठीक से नहीं बनेगी। यहाँ हमने एक बार कुछ इसका ऊपर नीचे, यहाँ हमने इसमें देखिए चेंजेस अगर नहीं किए तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बार अगर गड़बड़ होती है तो ये सारी इसी तरह से एक दो एंड ये एक, फिर ये दो, फिर
के अंदर दो, एक यहाँ पे आएगी इस तरह से। इसको ध्यान से देख करके करना होगा गर्ल्स, अदरवाइज ये सही तरह से नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से देख करके बनाया जाता है। जहां एक बार जो एक रो में गड़बड़ी आती है तो सारे रोज में फिर गड़बड़ियां आने लगती है। तो आप उस बात को ध्यान से देख करके करेंगे। रिपीट करते वक्त काउंटिंग जो है सैटिन रिबन्स की बहुत ही ध्यान से करना होता है। अगर कहीं एक बार गलत हो गया तो पूरा का पूरा सारे रोज फिर आपके गलत होते जाएंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आपके रोज जो है वो सही तरह से बनते हों, ताकि पूरी की पूरी वीविंग का जो शेप है वो प्रॉपर वे में आ सकेगा। ये देखिए इस तरह से आया है। अब हम सिक्स्थ रो जो बना रहे हैं वो थर्ड रो के अकॉर्डिंगली ही बनेगी। इस तरह से देखिए जैसा हमारा थर्ड रो बना था उसी तरह से बनेगी। स्टार्टिंग में ही थोड़े से इधर चेंजेस आएंगे, बाकी का पूरा रो जो है वो सेम पैटर्न पे ही कंटिन्यू होगा। ये देखिए इस तरह से हमारा ये सिक्स्थ रो भी बन के कंप्लीट हो गया है। मैं इसके सारे रोज बना के दिखा रही हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ ये इस तरह जैसे हम पहले अटैच करते हैं यहाँ पे फेविकोल से चिपकाएंगे। अब इसके बाद में जब तीन रो कंप्लीट हो जाते हैं तो चौथे रो पे फिर से हम जिस तरह से हमारा पहला रो बना था उसी तरह से हम फिर से बनाएंगे। चौथे रो में हमने दो को नीचे रखा था पहले रो में एंड एक को ऊपर किया, फिर हम दो को नीचे रखते हैं फिर एक को ऊपर करते हैं, फिर हम दो को नीचे रखते हैं फिर एक को ऊपर करते हैं। इस तरह से आप ये सारी की सारी वीविंग को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये सारी की सारी वीव इसी तरह से कंप्लीट होगी। एंड ये आप बहुत ध्यान से वीडियो को बार बार देखते हुए किस तरह से हम इसको लिफ्ट कर रहे हैं इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपका जो है ये वीविंग प्रॉपर वे में नहीं बनेगा। ये देखिए इस तरह से वीविंग को प्रॉपर वे में बनाना बहुत ही जरूरी है। ये देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में एक हम फिर से बना रहे हैं, एक और हम आपको बना के दिखा रहे हैं। इस तरह एक ऊपर और एक नीचे इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी ये आपकी वीविंग जो है इस तरह से दिखाई देगी। एंड जैसे मैंने पहले भी बताया था एजेस को आप यहाँ से कटिंग करेंगे, इसको यहाँ से स्टिक करेंगे एंड उसके बाद में इसको दूसरे पेपर पे जिस तरह से मैंने पहले बताया है ये सारे एजेस में इस तरह से आप बॉर्डर्स बना लेंगे इसको यहाँ पे एंड यहाँ पे। इस तरह से आप इसको चारों तरफ से इस तरह से आप इसको क्लोज करेंगे चारों तरफ से। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम एक नया वीव और सीखते हैं। थैंक यू गर्ल्स।